ओके स्टूडेंट्स सो वेलकम टू द सेशन लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द चैप्टर कॉल्ड मूल कॉन्सेप्ट कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिया है उसके आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल ये सब हो गया एटॉमिक मास चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स उसका नाम है अटोमिक वेट ठीक है बहुत ध्यान से समझेंगे इसको क्योंकि अब थोड़ा सा टॉपिक क्या है कि क्रूशियल हो रहा है तो देखिए द वेरी सिंपल थिंग इज डैट कि लास्ट टर्न पे अपने को एक कॉन्सेप्ट पता चला जो नाइन्थ से ही आप देखते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं और इसी को अपन ने एक्सप्रेस करना चालू कर दिया ए लगा करके तो अगर आज कोई आपको बोलता है कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास कितना आया वन इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम वन है एंड दैट इज़ द फैक्ट कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन जीरो होता है और न्यूट्रॉन वन होता है डेट इज बाय हाइड्रोजन का मास कितना आया वन तो हम लोग इसको बोलने लग गए थे कि पी प्लस एन का सम वन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आज के बाद क्या बोलेंगे वन एम यू ठीक है ये एग्जांपल नंबर वन हुआ इसी तरीके से अगर एग्जांपल नंबर टू की बात करें तो हम लोगों ने क्या बोला कि लेट्स से कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना नीचे नंबर लगाते थे एट जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं ऊपर में 16, तो 16 ए एम यू तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा ये रिप्रेजेंट करने लगा द टोटल सम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पी एन एन प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस तो 16 ए एम यू इसके मास को अपन बोलते थे ठीक है अब देखिए क्या बोलते हैं इस पार्टिकुलर टर्म को अपन बोलते हैं अटोमिक मास या फिर मैंने बोला था मैं प्रायोरिटी इसी बात को देता हूँ कि इसको आप मास नंबर बोलिए तो मास नंबर या एटॉमिक मास एटॉमिक मास और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम है अटोमिक वेट कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बताओ तो बोलते हैं वन एम ऑक्सीजन का एटोमिक वेट बताओ तो बोलते हैं सिक्सटीन एम बट अभी स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि एटॉमिक वेट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और द मास नंबर तो एटॉमिक मास या मास नंबर से एटॉमिक वेट कैसे डिफरेंट है इस बात को अपने को समझना पड़ेगा ठीक है इसका एक और नाम ये लोग देते हैं एवरेज अटोमिक मास अब एवरेज अटोमिक मास क्या है स्टूडेंट्स इसको समझना पड़ेगा अपने को ठीक है देखिए आप अभी जो बाकी फॉर्मूला वगैरह उस पर ध्यान मत दो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पहले फोकस करो लेट से लास्ट टर्न पे हम लोगों ने आई थिंक अभी मोलिकुलर मास का अभी प्रैक्टिस करेंगे और भी लेकिन मोलिकुलर मास के प्रैक्टिस से पहले आप एक चीज बताइए मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इवन जूनियर क्लासेज में भी देखा होगा कि क्लोरीन का मास जनरली जो आप लिस्ट याद करते हो वन से ट्वेंटी में सबके मास नंबर आपको परफेक्ट इंटीजर में दे रखा होता है लेकिन क्लोरीन का मास फ्रैक्शनल होता है और क्लोरीन का मास कितना आ जाता है 35.5 फाइव पॉइंट ऐसा लिखा होता है आपने जूनियर क्लासेज में जो लिस्ट देखा होगा उस लिस्ट में सबके मास इंटीजर्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो क्लोरीन का मास है वो आपका फ्रैक्शन में आ जाता है और क्लोरीन में कभी भी कोई कैलकुलेशन भी अगर आपको करना है जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आज तो अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि एच का लेट से मोलिकुलर वेट निकालना है तो एच का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए एच प्लस सी किया आपने यहाँ बोला कि ये सर वन वन है ये सेवेंटीन और बच्चे यहाँ पर थर्टी ही लेते हैं तो टोटल जो मोलिकुलर मास आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा आप बोलोगे कि ये हो जाएगा सर वन प्लस थर्टी यानी कि थर्टी यही ना तो मेरा ये कहना है कि क्लोरीन के केस में ये फ्रैक्शनल मास आ गया तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आ गया कि यहां पे फ्रैक्शन क्यों आया दूसरी बात अगर मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूँ इस बात को कि ये सेवनटीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है और इसके पैरेलल में क्या करता हूं एलुमिनियम का एग्जाम्पल लेता हूँ थर्टीन का स्टूडेंट्स आपको ध्यान में होगा कि नीचे वाले जो नंबर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं मास नंबर तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ कैलकुलेशन लास्ट टाइम पे सीखा था अपन ने तो थर्टीन हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया थर्टीन सेम और एन निकालने के लिए इन दोनों को माइनस किया तो फोर्टीन आ गया चलिए ये तो हो गया अब क्लोरीन के केस में अगर बात करें तो प्रोटॉन कितना 17 इलेक्ट्रॉन कितना 17 और जैसे ही न्यूट्रॉन निकाला तो ये 18.5 आ गया अब ये न्यूट्रॉन पार्टिकल 18.5 काउंटिंग में आ रहा है ये अपने को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको एक परफेक्ट काउंटिंग एक परफेक्ट इंटीजर में आना चाहिए था मतलब काउंटिंग करेंगे तो या तो 18 हो जाए या 19 हो जाए 18.5 न्यूट्रॉन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सो द पॉइंट इज डैट कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स ठीक है ना जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स आ रहा है आइसोटोप्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होता है बट मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसको बताता हूं क्योंकि अब इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखना पड़ेगा देखिए ऐसा है कि पहले जब हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई तो लोगों को पता चला कि हाइड्रोजन सिर्फ वन वन होता है ऑक्सीजन की जब डिस्कवरी हुई तो लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सिर्फ 16 होता है कार्बन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि मास 12 ही होता है क्लोरीन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि मास 35 होता है बट जैसे जैसे अपन थोड़े से एडवांस होते गए साइंस में आइसोटोप सबसे लास्ट में आया ठीक है ना लेकिन आइसोटोप जब आया तो वहाँ पर एकदम से थ्योरी हमारी चेंज हो गई उसके इफेक्ट अपने को पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलते हैं देखिए हाइड्रोजन वन वन के अलावा बहुत टाइम के बाद पता चला कि हाइड्रोजन वन टू भी अवेलेबल है और हाइड्रोजन वन थ्री भी अवेलेबल है और इन तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ चेंज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मास बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है इसीलिए वन वन वाले का भी सिंबल एच रखा वन टू का भी सिंबल एच रखा वन थ्री का भी सिंबल एच रखा वो बात अलग है कि हम लोग इसको यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस्ट्रीज में ऐसा बोलते हैं कि प्रोटियम है ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रीटियम है ऐसा बोल देते हैं लेकिन जनरली अगर आप इसको हाइड्रोजन भी बोलो हाइड्रोजन बोलो वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन वन थ्री तो ये बात गलत नहीं है आगे चल के पता चला कि ऑक्सीजन सिक्सटीन के साथ साथ ऑक्सीजन एटीन भी अवेलेबल है, है कार्बन ट्वेल्व के साथ कार्बन थर्टीन और साथ में कार्बन फोर्टीन तो एक इसका मेजर आइसोटोप वो भी अवेलेबल है और अगर क्लोरीन की बात करें तो 1735 और क्लोरीन 1737 भी अवेलेबल है मतलब नेचर में ऐसा है कि जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो एलिमेंट के एटम्स आपको सेट में मिलेंगे अब ऐसा सेट

अपने को क्या पता चला कि अगर मास चेंज हो भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इफेक्ट करेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसीलिए जितने रिएक्शंस आप कराओगे जो कुछ भी प्रोसेस पड़ेंगे वो सब सेम रहने वाला है बट एक तो सबसे बड़ा चेंज आ गया वो किसका है मास का अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया कि हम वन को लें या वन को लें या वन को लें तो कई बार लोगों ने आइडिया दिया बेसिकली कि यार वन वन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट के आसपास है वन थ्री का परसेंटेज पता है आपको टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी यू कैन से कि लगभग ये होता है टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी परसेंट के आसपास या माइनस फोर्टीन परसेंट के आसपास मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ये प्रेजेंट है उस तरीके से अगर वन टू की बात करें तो ये लगभग आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन वन ऐसा इतना लेस परसेंटेज में अवेलेबल है तो लोगों ने कहा कि यार ये सब को इग्नोर करके भी काम किया जा सकता है बट द पॉइंट इज डैट कि अगर अपन इसको इग्नोर करने लग गए तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स तब तो आपको इलेक्ट्रॉन को भी इग्नोर कर देना चाहिए तो इग्नोर नहीं कर सकते तो हम लोगों ने क्या किया इसका एक एवरेज निकाला और एवरेज जब तीनों के मास के निकाले गए तो पता चला इसका मास कितना है वन पॉइंट है तो हम लोग यूज किसका करते हैं स्टूडेंट्स वन ए एम का लेकिन जब आप इसको टेबल में देखोगे या इंटरनेट पर सर्च करोगे तो पता चलेगा 1.008 इसका मास दिया हुआ है अच्छा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में भी हम लोगों को हैबिट है सिक्सटीन है लेने का लेकिन जब आप प्रियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहां पर मास कितना आता है फिफ्टीन पॉइंट के आसपास आता है कार्बन के केस में भी वही बात 12.01 समथिंग आ जाता है और क्लोरीन के केस में आता है 35.5 और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसको हम जूनियर क्लास में भी नहीं इग्नोर कर पाए और हमने उसी टाइम से 35.5 लेना चालू कर दिया उसके पीछे रीज़न क्या है इसका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होता है नेचर में जिस अमाउंट में मिलता है उसी को बोलते हैं अबंडेंस तो ये थर्टी वाला 75% अवेलेबल है नेचर में और ये ऑलमोस्ट थर्टी फाइव परसेंट अवेलेबल है नेचर में और थर्टी फाइव परसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते द पॉइंट इज डैट डेट्स वाई हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही क्लोरीन का मास थर्टी फाइव पॉइंट फाइव लेना चालू कर दिया एंड इवन आज भी ये कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद अपन क्या करेंगे हाइड्रोजन का मास वन ही चलेंगे ऑक्सीजन का मास सिक्स लेके चलेंगे कार्बन का मास ट्व लेके चलेंगे अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर दे कि आपको ये लेके चलना है या आपको बिल्कुल से सेम अटोमिक वेट को लेके चलना है जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक अपन यही काम करते हैं इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन में जाने की कोई जरूरत इस लेवल पे नहीं है ठीक है ओके अब चलो समझते हैं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्यों आया उसके पीछे का रीजन क्या है इसको जरा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट देखिए द पॉइंट इज डैट थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आने के पीछे जो रीजन है वो पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल अप्रोच है उस मैथमेटिकल अप्रोच को जरा सा समझते हैं कि क्या करना होगा देखिए कहा जा रहा है कि द अटोमिक मास एज मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज द अटोमिक वेट तो अब आज के बाद से एटॉमिक वेट किसको बोलेंगे कि जितने आइसोटोप्स आपके पास अवेलेबल है जो भी एटम आपके पास अवेलेबल है उनके मासेज का आप क्या कीजिए एवरेज ले लीजिए और जब आप एवरेज ले रहे हैं तो किसके बेसिस पे कि वो कितना परसेंट अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप उसका एवरेज ले लो और एवरेज लेने के बाद ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा एक एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अटोमिक वेट ठीक है तो देखिए अगर आपको कोई बोलेगा कि क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ क्लोरीन के केस में बोलेगा कि इसका मास क्या है तो हम बोलेंगे देखिए क्लोरीन दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है 35 और क्लोरीन 17, 37 ये दो आइसोटोप इसके एग्जिस्ट करते हैं तो अगर हमसे कोई पूछा कि अटोमिक मास क्या है तो हम लोग बोलेंगे देखो यार एटॉमिक मास तुम किसके बारे में पूछ रहे हो क्योंकि इसके तो दो दो आइसोटोप्स है तो थर्टी फाइव ए भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन कई बार बोलता है थर्टी सेवन लेके चलने के लिए तो थर्टी सेवन ए भी ले सकते हैं ठीक है ये तो अपने को मामला पता ही है और पी प्लस एन भी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि पी प्लस एन आप किस में पूछ रहे हो सी एल थर्टी फाइव में या सी एल थर्टी सेवन में अगर सी एल थर्टी फाइव में है तो सी एल थर्टी फाइव में पी प्लस एन विल भी थर्टी फाइव एंड सी एल थर्टी सेवन में पी प्लस एन विल भी थर्टी सेवन नाउ द पॉइंट इज कि अगर लेट से कि अपने को ओवरऑल बोलता है कि नहीं आप इसका अटोमिक मास नहीं इसका अटोमिक वेट बताओ इसका अटोमिक वेट बताओ या फिर एवरेज अटोमिक मास बताओ ये टर्म जैसे ही क्वेश्चन में आया कि अटोमिक वेट या फिर एवरेज अटोमिक मास देन यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द गिवन गिज ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको अबंडेंस दे रखा होगा कि ये 75 फाइव परसेंट अवेलेबल है और ये 35 फाइव परसेंट अवेलेबल है तो देखिए फॉर्मूला दे रखा है कैसे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप वन इंटू अटोमिक मास परसेंटेज अबंडेंस अबंडोटोप इंटू अटोमिक मास फिर सो so ऑन आगे बढ़ते जाएंगे और डिवाइडेड बाई हंड्रेड मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लोरीन के लिए अगर मैं एवरेज अटोमिक मास कैलकुलेट करूँ अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं जिसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक वेट भी बोल रहे हैं ठीक है ना इसको अपन एटॉमिक वेट भी बोल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस तो 35 फाइव इंटू और इसी तरीके से ये 37 सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव और परसेंटेज में चल रहा है तो डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये काम करना पड़ेगा ठीक है ये आ जाता है कैलकुलेट करके टू सिक्स टू फाइव और ये आ जाता है नाइन टू फाइव ओवरऑल डिवाइडेड बाई हंड्रेड जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है थ्री फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाई हंड्रेड मतलब थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ए एम यू सो फॉर द क्लोरीन एटम थर्टी फाइव विल बी द सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन डैट इज करेक्ट थर्टी फाइव इज दटोमेक्ट थर्टी फाइव इज द मास नंबर बट वेन समास्ट क्यू द एवरेज अटोमिक मास ऑफ क्लोरिन और द एटोमिक वेट तो अटोमिक वेट के टाइम पे क्या करना पड़ेगा अपने को थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ही स्पेसिफाई करना होगा इज डेट क्लियर ओके तो यही काम करते हैं अपन जितने भी आइसोटॉप्स के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको परसेंटेज एवं के बेसिस पे एवरेज निकाल के काम करना है एंड यू विल नॉट बिलीव कि डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से अभी तो मोल वगैरह का कुछ बात हुआ ही नहीं है डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से भी जेई और नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं तो अपन एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं देखिए पहले बोल रहा है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है देखिए क्या बोला क्लोरीन वाला ही क्वेश्चन है बहुत ईजी है क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटो विद एटॉमिकाइव यू एंड थर्टी सेवन यू ये दैट इज ट्रू नाउ दे आर प्रजेंट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन दे आर प्रजेंट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन डिटरमाइन एवरेज अटोमिक मास बोल दिया ना एवरेज अटोमिक मास तो एवरेज एटोमिक मास मतलब हमारे दिमाग में वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाना चाहिए ठीक है तो एवरेज अटोमिक मास बोलो या फिर इसको अटोमिक वेट बोल दो बात वही है चलिए अब देखिए चेंज क्या है इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था बोला कि 35 और 37 का परसेंटेज अवेलेबल है 75 परसेंट और 35 परसेंट ठीक है ना सॉरी 75 परसेंट एंड 25 परसेंट 75 परसेंट एंड 25 परसेंट यहाँ मैंने 35 तो नहीं ले लिया या ठीक है 37 सेवन इंटू है ना ओके okay. तो थर्टी सेवेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ये इसका अबंडेंस होता है अब इसका अगर आप रेशियो लोगे ना सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव का तो क्या आ जाएगा थ्री इज टू वन बस क्वेश्चन ने यही चेंज कर दिया कि परसेंटेज नहीं दे करके अपने को फ्रैक्शन में दे दिया है तो अब आपके पास दो तरीके इसको सॉल्व करने का या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो और फ्रैक्शन को जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ये वन के स्केल में परसेंटेज के स्केल में ये आ जाएगा और फिर जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करके आंसर दे देना है बट अगर हम चाहें तो डायरेक्टली रेशियो वाले बेसिस पे भी लेके चल सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बोलेंगे 35 जो मास है क्लोरीन का उसका परसेंटेज अबंडेंस फ्रैक्शन में ही सही रेशियो में ही सही क्या दे रखा है थ्री तो इंटू थ्री कर देंगे अच्छा प्लस थर्टी के लिए क्या करेंगे इंटू वन कर देंगे अब आप एक बात बताओ यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते थे तो 75 और 25 दोनों को जोड़ के 100 100 से डिवाइड करते थे ठीक है इस जगह पे क्या करेंगे अब फ्रैक्शन में मामला चल रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 इसका मतलब ये 35 फाइव इंटू थ्री प्लस थर्टी सेवन बाई यही काम कर लेना है इज इट ओके और जब आप ये काम करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा थर्टी आ जाएगा तो बस यही बात ध्यान में रखना है कि अगर फ्रैक्शन में दे रखा है रेशियो तो उसके टर्म्स में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं तो इसको कन्वर्ट कर देते थ्री टू वन को परसेंटेज के टर्म्स में तो सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव परसेंट आ जाता ऐसे भी आप काम कर सकते हो ठीक है चलो तो ये हो गया अच्छा अब एक बात मैं यहीं पे बता देता हूँ कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ वो आपको अबंडेंस पूछ लेता है ठीक है ना अबंडेंस पूछ लेगा और एवरेज एटॉमिक मास दे देगा उस केस में क्या करना है मैं इसी को जैसे लेके बता देता हूँ क्लोरीन सेवनटीन थर्टी फाइव है और क्लोरीन सेवनटीन थर्टी सेवन है क्लोरीन सेवनटीन थर्टी फाइव है और क्लोरीन सेवनटीन थर्टी सेवन है और लेट से कि इसका परसेंटेज अबंडेंस ही आपसे पूछा है कि क्या होगा और बोला कि इसका एटॉमिक वेट एवरेज एटॉमिक वेट 35.5 है वैसे तो अपने को ध्यान में आ ही गया कि सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव आंसर होगा लेकिन सबके केस में तो नहीं है तो क्लोरीन के केस में है। तो ऐसे केस में आपको सॉल्व कैसे करना है इस बॉक्स में देखिए हम लोग बोलेंगे कि क्लोरीन का अज्यूम कर लेते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस एक्स परसेंट है परसेंट में ले चलना ज़्यादा अच्छा है और क्लोरीन कौन सा थर्टी फाइव वाले क्लोरीन एक्स परसेंट और थर्टी सेवन वाला क्लोरीन कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट जब हंड्रेड में दोनों को आना है तो एक का एक परसेंट तो दूसरे का 100 -6 फिर आप जैसे लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे कि थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आना चाहिए ये जब आप मैथमेटिकली इसको लेके आगे बढ़ोगे सॉल्व करोगे तो आराम से आप कहां पे पहुंच जाएंगे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 परसेंट जैसे ही हंड्रेड माइनस एक्स में डालेंगे तो वो x का वैल्यू आ जाएगा 75 परसेंट और जैसे ही हंड्रेड माइनस एक्स में डालेंगे आ जाएगा 25 परसेंट तो इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 75 फाइव परसेंट डायरेक्टली वन फिफ्टी बाई आ जाएगा डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आप देख लेना और यहाँ पे हंड्रेड माइनस एस आ जाएगा तो क्लोरिन के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है वो किसी और आइसोटोप के बारे में बात कर ले दिमाग यही लगाना है अपने को चलिए एक और केस बता देता हूँ एक बार आई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है आयरन के तीन आइसोटोप्स दे रखे उन्होंने अब आयरन के अगर तीन आइसोटोप्स दे रखे तो अब आप बताओ उसमें तो हंड्रेड माइनस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा तो उन्होंने एक का अबंडेंस दे दिया था अज्यूम कर लेते हैं कि फाइव परसेंट दिया होगा तो अब आप बताइए एक का पाँच परसेंट दे दिया बाकी दोनों कितने हो जाएंगे ट में तो क्या उस वाले केस में क्या काम कर लेते हैं हम बोलते फर्स्ट वाला आइसोटोप जो भी आयरन का दिया होगा एडजेक्ट क्वेश्चन आपको मैं आगे करा दूंगा कि ये 5 है, ये ये है 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 और ये 100 -X है। ऐसे करके आपको लेके चलना पड़ेगा अनोन एक ही लेंगे तो ही बेहतर है ठीक है चलो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बोल रहा है कि एन एलिमेंट एक्स दिस एंड दिस तो बताइए कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा ये अपने को ए आई का थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तभी नीट ए आई के नाम से जाना जाता था अब देखो यार इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो तीन आइसोटोप्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है इसका एवरेज बताना है तो इन तीनों के केस में अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे अटोमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इन परसेंटेज बाई हंड्रेड प्लस एटॉमिक मास ऑफ़ सेकेंड आइसोटोप इंटू परसेंटेज बाई हंड्रेड और साथ में टू हंड्रेड टू इंटू टू बाई हंड्रेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा जब कैलकुलेट करके सॉल्व करके आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो फाइंड आउट करने पे ये कुछ ऐसा आ जाता है हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन के आसपास या एट नाइन के आसपास ऐसा कुछ आता है कैलकुलेशन करके मतलब इसको अपन कहाँ लेके जा सकते हैं टू हंड्रेड पे लेके जा सकते हैं और वैसे भी अगर आप अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लें तो देखिए तीन आइसोटोप में ये अकेला नाइन्टी परसेंट अवेलेबल है तो इन्होंने एडजेक्ट आंसर नहीं पूछा है आपसे क्योंकि अगर देखा जाए अगर ओवरऑल अगर इन्होंने पूछा होता कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन होना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास तो एवरेज एटॉमिक मास अगर पूछते और ऑप्शन ऐसा देते फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन में ही देना चाहिए था लेकिन इसने क्या किया फ्रैक्शन में नहीं दिया राउंड ऑफ करके दिया हुआ है तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है तो आंसर कहीं ना कहीं इसी के क्लोज होना चाहिए जब आप इन तीन नंबर का एवरेज निकालोगे और ये ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है तो आंसर उसी के अराउंड होना चाहिए तो आंसर किस पे चले जाते हम लोग 200 पर चले जाते एवरेज 200 से ऊपर तो जाएगा नहीं टू से नीचे घटेगा तो घट के वन नाइन्टी आया इन दोनों के कारण तो वन नाइन्टी अपन नहीं जा सकते क्योंकि वन समथिंग आता है तो इसीलिए टू विल बी द राइट आंसर ठीक है आपको बताता हूं अब जो में हम चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास बड़ा इंपॉर्टेंट है आइसोटोप पहले ही कवर कर लिया अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि आपको एटॉमिक वेट लेके चलना है या ब्रैकेट में दे देता है उसकी वैल्यू तब तो आप वही लेके काम करना क्लोरीन के केस में हमेशा 35.5 लेके काम करना क्लोरीन के केस में अगर वो बोलता है थर्टी सेवन लेके काम करो तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना अभी जितने कैलकुलेशन हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में मोलिकुलर मास का क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारे के सारे कैलकुलेशन क्या होने चाहिए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए तो ये टॉपिक अपने ने पहले नहीं डिस्कस किया था तो वो देख लेते हैं मोलिकुलर मास निकालना क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले बेसिक है कि मोलिकुलर मास निकालने आना चाहिए नाइन्थ में भी डिस्कस हो रखा होगा ये बट एक बार मैं समझा देता हूँ जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ एच टू ओ बोला सेकेंड बोल रहा है कि एच टू एस ओ है थर्ड बोल रहा है कि सी एस थ्री सी ओ ओ एच है और लेट्स से कि फोर्थ बोल रहा है कि एम जी एच oh का होल टू है ठीक है ये चार क्वेश्चन मैं करा देता हूँ बाकी आप कहीं से प्रैक्टिस कर लेंगे देखिए मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करना है मोलिकुलर मास का मतलब वही हुआ कि P प्लस एन का सम निकालना है आइसो वाला कॉन्सेप्ट यह मत लगाना सिर्फ क्लोरीन में लगा देना थर्टी फाइव पॉइंट फाइव बाकी किसी में लगाने की जरूरत नहीं है अब देखिए कैसे तोड़ना है H2O का मतलब हुआ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन तो ये वन वन और एट सिक्सटीन ऊपर वाला नंबर ही रिप्रेजेंट करता है मास को तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि इसका जो मास नंबर है या मॉलिकुलर मास जो है वो क्या हो जाएगा टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन इस मीन्स टू प्लस सिक्सटीन डेट इज एटीन ए एम यू तो वाटर का मास कितना होता है एटीन ए एम यू ठीक है ऐसे ही देखो एच टू एस ओ फोर कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहला स्टेप है इनको एटॉमिक लेवल पे तोड़ना तो टू हाइड्रोजन वन सल्फर एंड फोर ऑक्सीजन वन वन सिक्सटीन थर्टी टू एंड एट सिक्सटीन यहाँ से क्या पता चला ऊपर वाले नंबर को सिर्फ कंसीडर करना है तो टू इंटू वन प्लस थर्टी टू प्लस फोर इंटू सिक्सटीन इसको लेके आप आगे बढ़ोगे सॉल्व करोगे आ जाएगा नाइन्टी एट ए एम यू समझ गए बात को सी एस थ्री सी ओ एच और आगे दिया हुआ है एम जी ओ एच का तो ये कैसे वर्क करेंगे देखिए दो जगह कार्बन दे दिया है तो टू कार्बन एक साथ लिख दिया कोई प्रॉब्लम है क्या प्लस थ्री हाइड्रोजन यहाँ है वन हाइड्रोजन यहाँ है तो फोर हाइड्रोजन और साथ में टू ऑक्सीजन तो ये देखिए सिक्स टूवेल्व वन वन एट सिक्सटीन कैसे करेंगे टू इंटू ट्व प्लस फोर इंटू वन सिर्फ ऊपर वाला नंबर ले रहे हैं प्लस टू इंटू सिक्सटीन इसको लेके आगे बड़ा सॉल्व करा आंसर आ गया सिक्सटी एम यू ठीक है लास्ट टर्न पे मैंने ये भी बोला था आपको कि फॉर्मूला कई बार ऐसे देता है कई बार डॉट वाला फॉमूला देता है और कई बार ब्रैकेट वाला फॉर्मूला देता है तो ब्रैकेट वाला अगर फार्मूला दिया तो कैसे तोड़ेंगे कि वन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को कई बच्चे वन काउंट करेंगे नहीं ये दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन भी है तो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एट सिक्सटीन और ये हो गया वन वन यहाँ से अगर देखो तो ये ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन इंटू थर्टी टू प्लस टू इंटू वन इसको जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा सॉरी टू इंटू सिक्सटीन यहाँ करना था टू इंटू सिक्सटीन तो फोर प्लस थर्टी टू प्लस टू तो ये आ गया कितना 58 एट ठीक है ना एम का होल टू था वन मैग्नीशियम एटम टू ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम तो मैग्नीशियम के लिए 12, 24, तो 24 ले लिया इसके लिए 16 इंटू टू कर दिया और यहाँ टू इंटू वन कर दिया तो अल्टीमेटली आया 24 फोर प्लस थर्टी टू प्लस टू इज डेट ओके तो 34 और 24 को ऐड करा तो 58 एट इसका मास आ गया तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए मास के क्योंकि ये सबसे बेसिक बात है में एंट्री करने से पहले इतना अपना रेडी होना चाहिए क्या बोला? NaCl का मास पूछ दिया तो मैंने क्या बोला है जनरल कैलकुलेशन में हाइड्रोजन का मास वन नहीं लेंगे बहुत सारे बुक और मटेरियल में वो दे रखा होता है लेकिन हमें इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास हम लोगों ने क्या यहाँ पे 15.99 लिया है क्या नहीं अपन 16 जो काम करते आ रहे वही करेंगे लेकिन जैसे ही क्लोरीन दिखा तो क्लोरीन के लिए क्या करना है 35.5 ले लेना है ठीक है 35.5 ले लेना है तो कैसे होगा वन सोडियम वन क्लोरीन सोडियम के लिए एलेवन सोडियम का भी सर्च करोगे फ्रैक्शन में ही बताएगा मास बट फ्रैक्शन नहीं लेना है बट क्लोरीन में वी कांट अवॉइड 35.5 क्यों क्योंकि क्लोरीन का परसेंटेज अबंडेंस दूसरा वाला भी बहुत ज़्यादा है इसीलिए नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं तो ये 23 थ्री प्लस थर्टी इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स फिफ्टी एट ऐसे ध्यान में देना है बट मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देता कि कंसीडर द मास ऑफ क्लोरीन एज सेवेंटीन थर्टी अगर क्वेश्चन बोल दिया 1735 लेने के लिए तो अपन 35 लेते क्वेश्चन बोल देता अगर कि क्लोरीन 1737 लो तो अपन क्लोरीन 1737 लेते और अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो 35.5 लेके काम कर लेते इज डेट ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको मोलिकुलर मास और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन कर दिया है ठीक है इसके बाद थोड़ी देर के बाद और डिस्कस करते हैं ग्राम अटोमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास का ओके okay? चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थैंक यू